दूसरे दिन की शुरुआत, दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहुंचे हैं नाहर शक्ति इसके, और एक रन से आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। श्री गणेशाय नमः होता हुआ रनों का, और आज के दिन का भी श्री गणेशाय नमः हो चुका है। गेंद शॉर्ट थर्ड में खिलाड़ी मौजूद, और पहली ही ओवर में आरएसबीएल किंग्स इलेवन को सफलता। आरएसबीएल किंग्स इलेवन एक सफलता पहले ओवर में। लक्ष्य के बाहर ये गेंद, एम्पायर के इशारे का इंतजार रहेगा। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चल पड़ी है, दौड़ पड़ी है, जमीनी सहारे पहला चौका निकलता हुआ, वाइड के रूप में ये चौका। शुरुआती ओवर्स में एक साझेदारी की जरूरत। हवा में खेल बैठे हैं, खतरा हो सकता है, खिलाड़ी के नीचे थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई, लेकिन कोई गलती नहीं अंतिम समय में, और दूसरी ओवर में दूसरी सफलता मिलती हुई। नहार शक्ति इसको दूसरा झटका 10 के स्कोर पर। मेगा पार्टन 11-2। इस बार नचिकेत के बल्ले से शॉट निकला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में भी गेंद अंतिम समय में हाथ से छूटती हुई। बेहतरीन प्रयास किया था तीसरे अटेम्प्ट में, लेकिन इसके बावजूद गेंद हाथ में रुकी नहीं। एक जीवन दान मिलता हुआ यहां पर नचिकेत को। एक समय ऐसा लगा जैसे नहार शक्ति के सभी सपोर्टर्स का कलेजा मुंह तक आ गया कि तीसरा बल्लेबाज भी कहीं आउट ना हो जाए। इस बार गेंद बल्ले को भेजती हुई सीधा स्टंप पर, नितेश कोठारी को एक और सफलता, तीसरा झटका। नहार शक्ति इसको 12 के स्कोर पर। और इस बार एक और विकेट गिरता हुआ, दो गेंदों में लगातार इस ओवर में दो विकेट मिलते हुए चौथा बल्लेबाज भी आउट होगा पवेलियन की तरफ। 12 पर 4 बल्लेबाज आउट। ऑन हैट्रिक की गेंद, बैकफुट पर चले गए, शॉर्ट पिच गेंद थी, ये अच्छी गेंद नहीं है ऑन हैट्रिक के लिए। ऑन हैट्रिक पर जब गेंदबाज हो तो ओवर पिच के आसपास या यॉकलेंथ की गेंदों का अगर इस्तेमाल करें तो चांसेस ज्यादा होते हैं हैट्रिक कन्वर्ट होने की। इस बार फिर से रक्षात्मक अंदाज में खेला, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जब तक पहुंची, एक रन लेकर अपना खाता खोला। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं मैदान पर, करण नहार। इस बार फुल टॉस गेंद को कबूला गया, गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन अंदाज में बल्ले से निकलता हुआ नहार शक्ति इसके लिए पहला चौका। टोटल स्कोर 24 पर। इस बार ये बेहतरीन स्ट्रोक, तीर की तरह से सीधा, फास्ट एंड फ्लैट सिक्सर निकलता हुआ करंट के बल्ले से। सिक्सर्स का श्री गणेशाय नमः। नहार शक्तिज टीम लड़खड़ाने के बाद अब फिर से ट्रैक पर पहुंचती हुई। रफ्तार के साथ तेज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, और एक बेहतरीन अंदाज में रिएक्शन टाइम बेहतरीन, और सीधा गेंद हाथ में जाकर सिमटती हुई। पांचवा झटका 33 के स्कोर पर। नए बल्लेबाज विशाल पहुंचे, और आते ही साथ एक बेहतरीन अंदाज से अपने इनिंग की शुरुआत कर दी। गेंद स्वीपर कवर, सीमा रेखा से बाहर, पहली ही गेंद पर पहला चौका। इस बार बेहतरीन अंदाज में केवल दिशा दिखा दी, रफ्तार का इस्तेमाल किया, नजाकत भरा स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका अश्विन के बल्ले से हुआ।
इस बार घूम कर खेला, धीमी गति की गेंद थी और गेंद स्क्वायर लेग फाइन लेग के बीच से लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाद जाती हुई एक और चौका विशाल जैन के बल्ले से ओवर समाप्त न हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करते हुए टोटल स्कोर पहुंच चुका है। सुजैना है गेंदबाज, एक बार फिर से कलात्मक स्ट्रोक, कोई भी खिलाड़ी गेंद के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर एक और चौका एक्सीलेंट स्ट्रोक बाय विशाल जैन। प्लेयर्स, टीममेट्स, बैकफुट पर गए, कट किया, दो खिलाड़ी को बाइसेक करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई अश्विन के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। भटकी हुई गेंद थी, मिड विकेट में खेला, ये गलती हो सकती है, करीबी मामला यहां पर और रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ, जोरदार झटका, जरूरत नहीं थी और रिस्क अगर आप लेंगे तो उसका खतरा भुगतना ही पड़ेगा। 84 रन पर छठा बल्लेबाज आउट। ऑन साइड में खेला, थोड़ी सी मिसफील और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वेलकम बाउंड्री निकलती हुई लंबे समय के बाद अश्विन के बल्ले से एक और चौका। हल्के हाथों से खेला और एक रन की कोशिश की जा रही है, एक रन मुकम्मल होता हुआ, इसी के साथ अश्विन के 50 रन पूरे होते हुए ओवर समाप्त हुआ। ओवर की समाप्ति के बाद 17 ओवर मुकम्मल, 122 6 विकेट के नुकसान पर। सफल हुए, ऑन साइड में खेला, तेज रफ्तार के साथ ये स्ट्रोक और हमारे डीजे अभिषेक के पास निकांशु पहुंचे हैं अलग अलग ट्रैक्स लेकर। मैदान पर मैच के अनुसार कौन से ट्रैक सूट करेंगे वो सभी ट्रैक्स लेकर पहुंचे हैं और इस बार उठाकर खेला स्ट्रेट में, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका अश्विन के बल्ले से। हारेंगे हम ना कभी और दिखा देंगे जीत के आसमान। बैकफुट पर गए, उठाकर खेला, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, खतरा हो सकता है और एक आसान सा कैच वहां पर, अब जाकर एक और सफलता। जीतना है हमको, जीत के जाएं। राकेश गेंदबाजी, राकेश बल्लेबाजी पर आए हैं और नितेश हैं गेंदबाज। इस गेंदबाजी के खिलाफ लगातार रन की कोशिश, इस बार तीनों स्टंप छोड़कर ऑफ स्टंप पर चले आए और बेहतरीन गेंद नितेश की, डंडा गुल, राकेश का विकेट गिरता हुआ और आठवां झटका 139 के स्कोर पर। अपने टीम को कट करने की कोशिश, एक रन पूरा किया और अश्विन दूसरा रन लेना चाहते हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है और ये है क्लेवर रनिंग विकेटों के दरमियान। आरएसबीएल किंग्स 11 आगे निकल कर आए, मिड विकेट में खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद को रुकाया और फिर से दूसरे रन की कोशिश की जा रही है, थ्रो आया और स्टंप पर गेंद टकराती हुई, विकेट का पतन होगा, 9वां बल्लेबाज आउट। जी ने इशारा दे दिया है, रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ, 9वां विकेट गिरा है, टोटल स्कोर 1 रन मिलेगा पिछली गेंद पर। विकेट गिरा, कोई मलाल नहीं, कोई गम नहीं, स्ट्राइक पर अश्विन पहुंचे ये अच्छी बात उनके लिए। अंतिम गेंद 1 रन लेने की कोशिश, अगली गेंद थी 1 रन लेने की कोशिश और इस गेंद पर भी विकेट गिरता हुआ और टीम ऑल आउट, 146 रन बनाए और 147
2 विन है आरएसबीएल किंग्स 11 के खिलाफ। गेंद पर एक रन से अपनी टीम का खाता खोल लिया। इस बार फुल टॉस, खराब गेंद थी, तुरंत उस गेंद को पढ़ लिया और एक पढ़े लिखे बल्लेबाज की तरह से, ग्रेजुएट बल्लेबाज की तरह से फाइनल के क्षेत्र में खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला चौका, एक चौके के साथ पहले ओवर की समाप्ति हुई। एसबीएल किंग्स 11 का खेमा इस वक्त यही उम्मीद में कि सलामी जोड़ी किसी तरह अच्छे टारगेट, अच्छे रन तक अपनी टीम को पहुंचा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। एक रन पूरा किया था और विपुल दूसरे रन के लिए निकल गए। डायरेक्ट हिट बल्लेबाज को खतरे में डाल लेगा और ये क्या होता हुआ, वही हुआ जिसका डर था। विपुल आउट होगा पवेलियन की तरफ। 7 पर पहला झटका। बैट बेसलाइन साउंड। विपुल का मैदान पर रहना बहुत जरूरी था और अब देखना है कि विपुल की जो कमी है उसको किस तरह पूरा करते हैं ये बल्लेबाज। इस बार बेहतरीन अंदाज में गेंद को खेला। कुणाल दोषी के बल्ले से निकलता हुआ जमीनी सर करते हुए गेंद से मारे आगे बाहर। वन मोर बाउंड्री, एक और चौका निकलता हुआ। दूसरी ओवर में दूसरा चौका। रफ्तार भरी गेंद, थोड़ी सी मिसफील, उसका फायदा मिला। बल्लेबाजी कर रही टीम आरएसबीएल किंग्स 11 को। एक और चौका निकलता हुआ यहां पर, तीसरा चौका, और इस चौके की मदद से स्कोर 20 पर पहुंचता हुआ। एक रन और निकलता हुआ। 147 का टारगेट है। अगर यूं ही रन बनता रहा तो फिर लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं। सात रन पर पहला विकेट गिरा था विपुल का। उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे आगे रन बनाते चले जा रहे। एक और रन आउट का करीबी मामला वहां पर। डायरेक्ट हिट निश्चित ही बल्लेबाज को डगआउट की राह दिखा देता। बाल बाल बचे वहां पर, जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। कुणाल डेंजर एंड पर दौड़े चले गए थे, एक और खतरा हो सकता था। बल्लेबाज के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रनआउट की ही है। कोई भी बल्लेबाज उतना तकलीफ नहीं होती अगर कैच आउट हो जाए, लेकिन अगर रन आउट बल्लेबाज होते हैं तो काफी तकलीफ। इस दरमियान हवा में गेंद है, क्या ये कैच आउट के जरिए आउट हो जाएंगे? आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। कुणाल दोषी का विकेट गिरता हुआ। एक और बल्लेबाज आउट। लक्ष्य जब 140 से ज्यादा हो तो सिंगल्स काफी कारगर साबित होते हैं। ड्राइव किया जमीनी सैर करते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। एक रन आसानी के साथ स्कोर लगातार आगे रोटेट होता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। नए ओवर की शुरुआत। बैकफुट पर गए, पंच किया उस गेंद को, थोड़ी सी मिसफील और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए आफ्टर 8.1 ओवर आरएसबीएल किंग्स 11 के 50 रन पूरे। इस बार यॉर्क लेंथ पर गेंद थी और जोरदार अपील, विकेट मिलता हुआ, तीसरा बल्लेबाज आउट। 56 पर आरएसबीएल किंग्स 11 को तीसरा झटका। ये खराब गेंद, और अगर आप एक गलती करेंगे, अगर आप भटकेंगे दिशा से तो आपको पड़ेंगे फटके। ऑन साइड में गेंद थी, गेंद सिमर आगे बाहर। अभी भी रन गति धीमी है। रिक्वायर्ड रन रेट को अगर नजरिए में रखा जाए तो लगभग 10 रन
प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद, लंबा स्ट्रोक निकलता हुआ मेहुल के बल्ले से। अब जाकर ये पहला सिक्स आरएसबीएल किंग्स 11 के लिए। इस बार फिर से करारा स्ट्रोक, पंच किया गेंद ऑन साइड, मिड विकेट से मारेगा के बाहर। एक और सिक्सर निकलता हुआ मेहुल के बल्ले से, टू बैक टू बैक सिक्सर्स। और इस बार रवि के बल्ले से निकलता हुआ, कहते ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, चौका निकलता हुआ इस बार 93 पर टोटल स्कोर। रवि के बल्ले से ये चौका। हवा में गेंद है, इस बार खतरा हो सकता है और एक और गलती, रवि को भी जीवनदान मिलता हुआ। दोनों ही बल्लेबाज जिन्होंने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है, दोनों ही बल्लेबाजों को जीवनदान मिलता हुआ इस एक रन के साथ। अब जाकर ओवर की समाप्ति हुई 14 ओवर के बाद 95। बैकफुट पर गए और तेज रफ्तार के साथ पलक झपकते ही गेंद से मारे आगे बाहर, एक और बाउंड्री निकलती हुई। इसी के साथ 100 रन पूरे आरएसबीएल किंग्स 11 के। टॉप क्लास का स्ट्रोक, सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि इस तरह के स्ट्रोक जब कोई भी बल्लेबाज लगाता है, ऐसा लगा मानो नौशाद के किसी खूबसूरत नगमे को बल्लेबाज ने अपने बैट से गवा दिया। हर शक्ति, एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच में जीत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने सेट होकर अब जीत का मोमेंटम तैयार कर दिया। और मैं उनके बल्ले से निकलता हुआ एक और बेहतरीन गेंद, सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा के बाहर 6 रन के लिए। सिक्सर निकलता हुआ, जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं और यहां पर जिम्मेदारी बड़ी है, जीत दिलाना है। उठाकर खेला मिड विकेट में, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। वन बाउंस गेंद को थोड़ी सी मिसफील्ड की बदौलत बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, एक और चौका निकलता हुआ मेहुल के बल्ले से। रवि ने भी बताया, मैं भी हूँ यहाँ पर, वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन के लिए जाते हुए और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 132 रनों पर। पिछले 4 ओवर में आलोक 60 रन बनाए गए हैं, 13 ओवर जब समाप्त हुए थे 75 रन बने थे मात्र। ऐसा लग रहा था कि काफी मुश्किल लक्ष्य है और आरएसबीएल किंग्स 11 को पीछा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पिछले 4 ओवर में पूरा मैच ही पलट कर रख दिया मेहुल और रवि ने। और इस बार अब जाकर रवि का विकेट गिरता हुआ, एक जो विकेट की तलाश थी बहुत देर के बाद 133 पर चौथा बल्लेबाज आउट। कैप्टन आ चुके हैं रवि कोठारी। क्लास, प्योर क्लास आप कह सकते हैं, ब्यूटी। और इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल होते हुए मेहुल के इस 4 रन की सहायता से 53 रन, मेहुल की हाफ सेंचुरी कंप्लीट। और ये हाफ सेंचुरी अश्विन की हाफ सेंचुरी पर भारी पड़ती हुई। अश्विन ने 66 रन बनाए थे पहली पारी में, लेकिन दूसरी पारी में मेहुल ने अपनी बल्लेबाजी से ये दिखा दिया कि सेकंड इनिंग में 50 रन की कीमत और जीत के करीब पहुंचती हुई आरएसबीएल किंग्स 11 ग्रीन। अच्छी फील्डिंग डीप में, हालांकि बैकअप वहां पर मौजूद नहीं, फिर से उन्हें ही खुद भागकर उस गेंद को फील्ड करना होगा। देखना है बाउंड्री लाइन के आसपास रुका पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, जी नहीं, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन के लिए और विशाल कोठारी के बल्ले से निकला ये 4 रन और उसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 145 रनों पर।
विवेक कोठारी काफी खुश होंगे अभी तक अपनी टीम के परफॉर्मेंस से। कल भी जिस तरह से 119 रन को बचाया गया था, स्कोर सार लेवल ये निकला विजय स्ट्रोक किसके बल्ले से, जिन्होंने इस इनिंग में, इस मैच में अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया। हीरो रहे, सुपरस्टार रहे मेहुल कोठारी। मैच की समाप्ति और आरएसबीएल किंग ने इस मैच को शानदार अंदाज से जीता 6 विकेट हाथ में रखते हुए। विवेक कोठारी की टीम जीतती हुई, विशाल कोठारी की टीम जीतती हुई आरएसबीएल की पूरी टीम से कि वो यहां पर आ जाएं। और मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे स्कोरर मिस्टर पेडनेकर से रिक्वेस्ट रहेगी कि मैन ऑफ द मैच के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम लेकर हमारे पास पहुंच जाएं। और पिछला मैच जिसमें बेहतरीन अंदाज में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैन ऑफ द मैच के दावेदार बने, सबसे पहले तो जिस अंदाज में अश्विन ने बल्लेबाजी की थी, 66 रन बनाए थे विद 7 बाउंड्रीज और एक्सलेंट पारी खेली थी, जुझारू पारी जिसे हम कहते हैं वैसी पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन उस पारी को कमतर साबित कर दिया मेहुल की बल्लेबाजी ने और गेंदबाजी भी बेहतरीन की मेहुल ने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पृथ्वीराज कोठारी जी से कि वो यहां पर आ जाए सो दैट वी कैन गिव अवे द अवार्ड्स, गिव अवे द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे खिलाड़ी को जिसकी बदौलत, जिसके परफॉर्मेंस की बदौलत आरएसबीएल किंग्स 11 की टीम ने एक बड़े टोटल को, 147 के टोटल को हंसते खेलते आसानी के साथ पूरा कर लिया। एंड ही इज नन अदर देन मेहुल। जोरदार तालियां, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेहुल प्लीज मंच पर आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। दिनेश जी कोठारी आज के गेस्ट, प्लीज आप भी मंच पर आ जाए। वीडीसी नितेश कोठारी प्लीज यहां पर आ जाए। मेहुल चाहते हैं कि वो आपके साथ, वीडीसी के साथ अपना मैन ऑफ द मैच शेयर करे। और ये ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच की, दोनों ही खिलाड़ी शेयर करते हुए वीडीसी और मेहुल। न्यासा की तरफ से 10,000 गिफ्ट वाउचर, 10,000 का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों ही खिलाड़ियों से कि इस तरफ आ जाएं प्लीज, वीडीसी एंड मेहुल। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप लोगों की जुगलबंदी, क्या इसके पीछे कोई राज है जो लगातार बेहतरीन अंदाज में चलती जा रही है? एक ही राज है, हमारे अंकल का चेहरा देख के हमको डर लगता है और विकेट पड़ता है, नहीं जा सकते। पृथ्वीराज जी कोठारी का इतना डर आप लोगों के लिए कि उनका चेहरा देखकर विकेट लेना है, ये बहुत जरूरी। आप लोग बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं मेहुल, द वे यू प्लेड इन द लास्ट गेम, इन दिस गेम विच यू वॉन राइट नाउ, कहना होगा कि आपने वाकई, ये विराट कोहली का जो नाम आपके ऊपर पड़ा है इसके पीछे क्या राज है मेहुल? दोनों भाई है ना। ओके, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट गेम मेहुल एंड वीडीसी। That's it from presentation. थोड़े ही समय में अगले मैच की शुरुआत होगी, इवेंट ऑफ वॉरियर्स और हर्न फाल्कन्स भिड़ेंगे जीत के लिए। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मैच की शुरुआत होगी और एक बार फिर से आप लोग के दरमियान लौटेंगे भीनमाल प्रीमियर लीग की दास्तान को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।